वगैरह भी होगी। परसों आपने देखा जिस तरह से गवर्नर महोदय सत्यपाल मलिक द्वारा ये कह दिया गया था कि अब किसी भी ऐसे ऑफिसर को नहीं बख्शा जाएगा जो जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जितनी भी घोटाले हुए हैं, जितनी भी करप्शन हुई है, जितनी भी इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और गवर्नर महोदय ने एक चीज़ और साफ कर दी थी कि पहले की जो सरकारें थी उनकी तरफ से काफ़ी शेल्टर मिलता रहा था जम्मू कश्मीर बैंक को, जो अब नहीं होगा। जिसका प्रमाण हम आपको अभी बता देते हैं कि खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक के दो सीनियर ऑफिसर्स जो दोनों एचआर विभाग में काम करते थे, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन दोनों ऑफिसर्स का नाम इम्तियाज़ अहमद खान जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एचआर, व दूसरे जाहिद इदरीस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एचआर डिपार्टमेंट। इन दोनों ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर बैंक से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इनके ऊपर जो जिन कारणों के चलते इनको सस्पेंड किया गया है वो है एसीबी की लेटर कोई लीक की गई है सोशल मीडिया में। एसीबी की लेटर सोशल मीडिया पर लीक करने की वजह से इन दोनों ऑफिसर्स को जो है उनके ऊपर घास गिरी है और दोनों ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर बैंक से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और किस्सा सामने आया है जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि एसीबी ने एक प्रेस रिलीज भी पब्लिक डोमेन में इशू की है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर बैंक का ओटीएस स्कैम भी सामने आया है, जिसके अंदर केस FIR नंबर 3/2019 पुलिस स्टेशन ACB अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर ये केस दर्ज किया गया है, जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा इस केस के बारे में जो पब्लिक डोमेन में प्रेस रिलीज निकाली गई है ACB द्वारा यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, उसके अंदर ये सामने देखने को मिला है कि एक FIR लगाई गई है जो कि अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1D के तहत जो है लगाई गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये FIR शेख इमरान जो कि डायरेक्टर हैं मैसेट्स कहवा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड बोहरी कदल श्रीनगर, उनके खिलाफ़ है। और ये कारण इसका ये है कि काफ़ी सारी ऐसे जो है चीज़ें उसके अंदर सामने आई है जिसके अंदर इनके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कुछ वेरिफिकेशन की लिए जो है कुछ पॉलिसीज़ कंडक्ट की गई, जिसके बाद ये सामने देखने को मिला है जो ये शेख इमरान है उनकी तरफ से जो प्रपोज़ल DPR का जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया था जो कि एक CA स्टोरेज इस्टेब्लिश करना था अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मैसेट्स कहवा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड जो कि लस्सीपुरा पुलवामा में करना था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी घास गिरी है जो कि आप जानते ही हैं कि ACB डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर लगातार जो है रेड्स चल रही हैं और उसके बाद जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं वो आपके सामने पब्लिक डोमेन में ACB द्वारा यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पब्लिक डोमेन में डाली गई है, जिसके चलते ये एक पूरी प्रेस स्टेटमेंट के तौर पर बताया गया है कि आखिरकार कितने की लाइबिलिटीज़ और कितने का लोन जो है लिया गया था और उसके बाद कितनी सेटलमेंट की गई है और बैंक ने कितनी गारंटेड वेव ऑफ किए हैं लाइबिलिटीज़, ये सब कुछ ACB द्वारा इस पूरी प्रेस रिलीज़ के अंदर लिखा गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जो गलत नियुक्तियाँ भी हुई हैं उसके ऊपर भी जल्द ही बड़ी घास गिर सकती है। और ये शायद अगर बात की जाए तो पुरानी सरकारें या फिर पुराने पॉलिटिशियंस ने ये सोचा नहीं था कि शायद इस तरह की चीज़ भी जम्मू कश्मीर बैंक में देखने को मिलेगी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जो इस तरह की सब चीज़ें सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं एक लोगों में रिलीफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब बात जम्मू एंड कश्मीर बैंक की आती है तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो खातेदार हैं वो सिर्फ कश्मीर के ही नहीं हैं, यहाँ पर खातेदार जम्मू और लद्दाख के भी हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी करने की भी बात सामने आ रही थी। और ये भी देखने को मिल रहा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जम्मू के साथ भी हो रहा है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए जहाँ पर बैंक PO की बात करें तो आप जानते ही हैं कि बैंक PO का एक बड़ा किस्सा सामने आया था और
हम लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक का पीओ का किस्सा सामने लाया गया, जिसके अंदर 60-40 की रेशो देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को देखते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और उस अकाउंटेबिलिटी के चलते अगर ये सब कुछ जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है, खास करके एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो रेड्स चल रही हैं, उसके बाद ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर अब जो कुछ धांधलियाँ हो चुकी हैं उसका अब बात करें तो अब उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और अगर अब तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के दो सीनियर ऑफिसर जो कि एचआर के अंदर नियुक्त थे, जिनमें इम्तियाज़ अहमद खान असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एचआर व जाहिद इदरीस एग्जीक्यूटिव एचआर, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही एक एफआईआर भी साउथ कश्मीर में एसीबी द्वारा दर्ज की गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो शेख इमरान उनके ऊपर जो है गाज गिरी है। ये शेख इमरान डायरेक्टर कहवा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनकी तरफ से बैंक से काफ़ी सारा लोन्स वगैरह लिया गया और उसके अंदर कई सब जगह पर उस लोन की शायद भरपाई नहीं की गई और कितनी लाइबिलिटीज़ वेव ऑफ की गई है वो सारा इस प्रेस नोट के अंदर बताया गया है। और फिज़िकली वेरिफिकेशन की गई है, फिज़िकली जब पूरी रेड्स हुई जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर तो ये सारी चीज़ें सामने देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर अगर बात की जाए तो अब एक अच्छे दिन, मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के लिए अब अच्छे दिन आना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से कल गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा ये कहा गया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पुरानी सरकारों ने क्या किया, पुराने राजनेताओं ने क्या किया, उसका उन्होंने कहा कि वो वही जाने, लेकिन अब जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जो कुछ भी होगा वो ईमानदारी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। और बिल्कुल सही है ये भी बात कि अब जम्मू कश्मीर बैंक के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। और जम्मू कश्मीर बैंक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ही खातेदारों का बैंक नहीं है, जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू के खातेदारों का बैंक भी है और जम्मू कश्मीर बैंक लद्दाख के खातेदारों का भी बैंक है। तो कहीं ना कहीं अब एक मेजर रिलीफ भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के खातेदारों को भी मिलेगा, जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, जब ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में सामने आएंगी। तो अब तक की बड़ी खबर ये है, जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा दो एचआर ऑफिसर्स जो कि सीनियर पोस्ट पे थे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।